प्रदेश के आजमगढ़ के फूलपुर पवई विधानसभा से विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने सपा पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को जेल से पत्र लिखा है। पत्र में जेल प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जेल में बंद सपा विधायक का यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पार्टी के कई नेताओं ने भी इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया है। रमाकांत यादव ने पत्र में जिक्र किया है कि आजमगढ़ में 24 साल पहले एक मुकदमे में जारी NBW के तहत उनको बंद किया गया। उसके बाद उन पर फर्जी आरोप लगाकर कई मुकदमे और दर्ज कर जेल में बंद रखा गया। उन्हें शुगर, BP, हार्ट जैसी गंभीर बीमारी है। ऐसी स्थिति में उन्हें एक साधारण बंदी की तरह रखा गया था, जबकि वह 4 बार के सांसद और 5वीं बार फूलपुर पवई विधानसभा से विधायक हैं। उन्हें MP MLA जैसी कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जा रही थी। रमाकांत यादव ने कहा कि प्रभारी जेलर विकास कटियार से उन्होंने 7 सितंबर को अपने विधानसभा के लेटर पैड पर लिखकर MP MLA को जेल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी मांगी तो जेलर विकास कटियार ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि यहाँ किसी MP MLA के पैड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ CM और जेल प्रशासन का पैड चलता है। रही बात सुविधाओं की, तो आपको एक साधारण बंदी की तरह रखा जाएगा, जो लिखना पढ़ना हो पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, कहते हुए लेटर पैड को मेरे सामने फाड़ कर कूड़े दान में फेंक दिया। 10 सितंबर को 7:45 पर सुबह रमाकांत को मंडल कारागार आजमगढ़ से सेंट्रल जेल फतेहगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद 8:30 जेल प्रशासन की कबाड़ा गाड़ी से 500 किलोमीटर की लंबी यात्रा करवा कर सेंट्रल जेल फतेहगढ़ शाम को 6 बजे शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। रमाकांत यादव ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण पर गंभीरता से विचार करते हुए सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें, जिससे दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो और उन्हें कोई जेलर या जेल प्रशासन उनके साथ साथ किसी भी अन्य सदस्य लोकसभा या विधानसभा के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार ना कर सके।